अगर आपके ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ कि किस कारण से आपका जो बैंक अकाउंट है वो बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, कैसे आपको इसे फिक्स करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है ताकि आप अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से अपने पैसे को उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाए, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले हम जान लेते हैं कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट का रिजेक्ट होने के क्या कारण है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमारा बैंक अकाउंट रिजेक्ट होता है तो उसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं। पहला जो रीजन है दोस्तों वो ये है कि जब हम ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए जाते हैं, अपनी बैंक डिटेल को एंटर करते हैं, उसके बाद में जब हम नीचे आते हैं अपलोड बैंक प्रूफ के सेक्शन में, तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे यूजर हैं वो क्या करते हैं कि अपने बैंक की जो पासबुक होती है उसकी फोटो को वो खींचते हैं, और फोटो दोस्तों जब वो खींचते हैं तो वो फोटो जो है वो साफ नहीं आती है, उसके अंदर जो कई डिटेल है वो क्लियरिटी नहीं आती है, जिसके कारण जब वो अपलोड करते हैं तो वहां पे जो ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है वो उनके बैंक अकाउंट को रिजेक्ट कर देता है, लिंक नहीं करता है। और दूसरा जो रीजन है दोस्तों वो है मेनली रीजन है जो कि काफी सारे बहुत सारे यूजर को यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि होता क्या है कि जब हम अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में पैसे को विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल करने के लिए दोस्तों हमें अपने पैन नंबर को एंटर करना होता है, वेरीफाइड करना होता है। तो दोस्तों हमारे जो पैन नंबर होता है उसके अंदर हमारी कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हमारा नाम, कम्युनिकेशन एड्रेस, हमारी डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद में दोस्तों कई सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक अकाउंट वो है अपना नहीं किसी और का ऐड करते हैं जो कि किसी और नाम से रजिस्टर है, जिसके अंदर किसी और का कम्युनिकेशन एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ भी अलग होती है, जिसके कारण होता क्या है कि यहाँ पे डिटेल मिसमैच कर जाती है, यानी कि उनका पैन नंबर में अलग डिटेल होती है और उनका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर अलग डिटेल होती है। सो डिटेल मिसमैच हो जाने के कारण यहाँ पे उनका जो बैंक अकाउंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे आपको सॉल्व करना है लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इसके लिए चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद मैं ऊपर ऊपर प्रोफाइल का जो आइकन है मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में माय बैलेंस का जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं, और जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल मेरे अकाउंट में है अभी 78 रुपये। और पैसे को विड्रॉल करने के लिए दोस्तों हमें ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, तभी हम अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए वेरीफाई टू विड्रॉ का जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, पैन कार्ड नंबर है, वो तीनों ही डिटेल ऑलरेडी वेरीफाइड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मगर दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो बैंक अकाउंट है दोस्तों वो रिजेक्टेड दिखा रहा है, और ऐसे भी कई सारे यूज़र हैं जिनका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, जब भी वो लिंक करने के लिए जाते हैं तो बार बार वहाँ पे उन्हें रिजेक्टेड ऐसा लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा जो बैंक अकाउंट है वो किस कारण से रिजेक्टेड होता है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है वो भी मैं लाइव यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके लिए मैं यहाँ पे किसी भी कस्टमर सपोर्ट की हेल्प भी नहीं लेने वाला हूँ। सो चलिए बैंक अकाउंट का जो ऑप्शन है जो कि रिजेक्टेड है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप ऊपर ऊपर देख सकते हैं वेरीफिकेशन फेल्ड इनकरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स, सो ऊपर ऊपर मेंशन भी कर दिया गया है। सो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा है कि मेरा जो पैन नंबर है वो वेरीफाइड है, यानी कि हमारे पैन नंबर पे जो डिटेल्स होती हैं जैसे कि हमारा नाम होता है, हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो अगर हमारे बैंक के साथ में मैच नहीं करती है, यानी कि हमारे बैंक में दूसरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, कम्युनिकेशन एड्रेस डिफरेंट है, सो यहाँ पे डिटेल मिसमैच हो जाती है, जिसके कारण ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन है वो हमारे बैंक अकाउंट को लिंक नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो प्रैक्टिकली लाइव में यहाँ पे आपको करके दिखाने वाला हूँ। सो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है वो फ़िलहाल यहाँ पे लिंक है, लिंक तो नहीं है, रिजेक्टेड है। सो यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट को चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपने रियल अकाउंट को डालने वाला हूँ, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक। सो यहाँ पे दोस्तों इसी बहाने पेटीएम पेमेंट बैंक को कैसे लिंक करते हैं वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऊपर ऊपर अकाउंट नंबर में मैं पेटीएम पेमेंट बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है उसे फिलअप कर देता हूँ, और उसी अकाउंट नंबर को मैं दोबारा से रिटाइप में एंटर करने वाला हूँ और आईएफएससी कोड डालने वाला हूँ। सो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप कर देता हूँ। तो अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले था हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहाँ पे मैंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को एंटर कर दिया है, जिसके अंदर जो मेरी डिटेल है वो सारी की सारी पैन कार्ड से मैच करने वाली है।
इसके बाद में दोस्तों मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे अपलोड बैंक प्रूफ का जो ऑप्शन है जिसके अंदर मैं बैंक प्रूफ अपलोड करने वाला हूँ और जो कि है मेरी स्टेटमेंट, उसी का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है। सो मैं इस ऑप्शन पे कर देता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद में गैलरी मेरी ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे अटैच कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि बैंक प्रूफ जो है वो मेरा अटैच हो चुका है और सबमिट डिटेल का जो ऑप्शन है वो भी हाईलाइट हो चुका है। इसके बाद में मैं सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा समय लगेगा। योर बैंक अकाउंट डिटेल हैव बीन सबमिटेड इज अंडर वेरीफिकेशन, यानी कि मेरा जो बैंक वेरीफिकेशन है वो फ़िलहाल अभी अंडर रिव्यू में है। सो इसके बाद में दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को एक बार क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में दोस्तों मैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को दोबारा से रीओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं वही प्रोसेस में करता हूं, ऊपर ऊपर मेरा जो प्रोफाइल का आइकन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद में मैं माई बैलेंस का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई टू विड्रॉ का ऑप्शन है, सो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। पहले जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं थे कि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो रिजेक्टेड था, यहां पे मैंने किसी भी कस्टमर सपोर्ट की हेल्प भी नहीं ली है। यहां पे दोस्तों मैंने अपने पेटीएम पेमेंट बैंक को ऐड कर लिया है, लाइव यहां पे आपके सामने मैंने करके दिखाया भी है। सो बेसिकली दोस्तों यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बैंक के अलावा किसी अदर पर्सन के बैंक को यहाँ पर लिंक करते हैं जबकि आपका जो पैन नंबर है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है आपके नाम से, आप किसी अदर नेम से बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं, सो डिटेल यहाँ पे मिसमैच हो जाएगी और आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं होगा। सो दोस्तों यही रीज़न है जिसके कारण से आपका जो बैंक है वो बार बार रिजेक्ट होता है। तो इसी बात पे दोस्तों वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। इससे होगा क्या कि मुझे मेरी वीडियो का टॉपिक मिल जाएगा और आपको सॉल्यूशन। और इसी के साथ में दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ये भी बताना ना भूलिएगा, और वीडियो पर लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा दबाना ना भूलिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिए, जिसका मतलब ये होगा कि जब भी हमारी तरफ से ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।